हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द लेट मॉम प्री। तो आप भी अगर यूट्यूब पर नए हैं या ऑलरेडी व्लॉगिंग कर रहे हैं बट व्लॉगिंग इक्विपमेंट सर्च कर रहे हैं, तो बिल्कुल बजट में अगर आपको व्लॉगिंग इक्विपमेंट चाहिए ना, तो भगीरथ प्लेस ऑफ न्यू दिल्ली इज़ बेस्ट। तो शॉप नंबर 884 बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ, जहाँ पे बहुत ही सस्ते ट्राइपॉड्स, सेल्फी स्टिक्स, माइक्स, रिंग लाइट्स, गिम्बल्स और बहुत कुछ, जो भी आपकी व्लॉगिंग नीड है, रिक्वायरमेंट है, आपको हर एक सामान उसकी ज़रूरत का यहाँ पर मिल जाएगा। लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली लाल किला के जस्ट गेट नंबर 1 से एग्जिट करते ही आपको मंदिर नज़र आता है। इस मंदिर के जस्ट ऑपोजिट ही एक स्टेयरकेस जा रहा है। स्टेयरकेस के जस्ट सामने जो शॉप है ना, उस पर नहीं जाना, उसके साथ वाली शॉप है, शॉप नंबर 884 बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आइए चलते हैं। तो आज हम आए हैं शॉप नंबर 884। तो यहाँ पे मिलते हैं बेस्ट रेट्स में व्लॉगिंग इक्विपमेंट्स, व्लॉगिंग टूल्स भी जिसे हम बोल सकते हैं। तो भैया बड़ा नाम सुना है आपका, ठीक है, तो अपने बारे में कुछ बता दो, अपनी शॉप के बारे में कुछ बता दो। वीडियोग्राफी के लिए जो चलते हैं आपको, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको चीपेस्ट क्वालिटी दूँगा, बेस्ट में आपको बेस्ट क्वालिटी दूंगा आपको मैं, जिसमें कि वीडियोग्राफी के रिंग लाइट्स होगी मेरे पास, जो आप देख सकते हैं रिंग लाइट है, और रिंग लाइट्स के साथ अम्ब्रेला फोकस, अम्ब्रेला सेटअप है पूरा वीडियोग्राफी के लिए, और बैकग्राउंड स्टैंड है अम्ब्रेला के साथ, आपको फोकस लाइटें होती हैं काफ़ी सारी, RGB लाइटें होती हैं वो सारी मिल जाएगी आपको। और जैसे कि आप फुल आजकल ब्लॉगिंग के लिए ये किट्स चल रही हैं, सारी किट्स हैं मेरे पास अवेलेबल है, और मेरे पास 50 रुपये से लेके मात्र 50 रुपये से लेके और अच्छे अच्छे गैजेट्स हैं। एक बार आप विजिट करिए, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा। और ये फूड ब्लॉग के लिए हो गया, जैसे राइडिंग के लिए हो गया, ये सारा कुछ चलते हैं ये, ठीक है, ये आजकल काफ़ी चल रहे हैं। जैसे कि ये रिंग लाइट्स हो गया, ये छोटी रिंग लाइट हो गई, रिंग लाइट के साथ इसमें आपको क्या स्टैंड भी है और फोन होल्डर भी है, हाइट चाहो उसकी हाइट जितनी हो आपको आप कर सकते हो, डाउन कर सकते हो। कितनी हाइट लगभग, ये लगभग पोर्टेबल है स्टैंड है, मैं आपको दिखाता हूँ हाइट कितनी होगी इसकी। सिंगल पर्सन भी होगा, ओके ग्रेट, थ्री स्टैंड मूवमेंट होगा पूरा, उनका थ्री स्टैंड मूवमेंट होगा, जैसे मर्जी जो सिंगल मूवमेंट ले सकते हो। इसमें फोन कैमरा दोनों सेट हो जाते हैं, फोन हो जाएगा, GoPro ना होगा, GoPro सेट हो जाएगा, इसमें आपका GoPro यहाँ सेट होगा, आपको उसको हाथ में कैरी कर सकते हो, ये सेल्फी स्टिक प्रो बन जाएगी। ओके सेल्फी स्टिक, इसमें तीन मोड होंगे, ये फर्स्ट मोड हो गया, ये आपका सेकंड मोड हो गया, ये थर्ड मोड हो गया, येलो लाइट, ठीक है ना, ये मोड सारे मिल जाएंगे। और इसमें मेरे पे गैजेट तो काफ़ी है, इसका प्राइस का कुछ आइडिया? प्राइस आइडिया नहीं, प्राइस मैं फाइनल कर लेता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जाएगा, वैसे तो इसका 750 है, okay. आपके चैनल के माध्यम से जाएगा तो 650 650 650 650, ठीक है, इस लाइट के लिए। अच्छा बेसिक आपने एक बार शुरू में ये बोला कि 50 रुपये से शुरू हो जाते हैं, तो 50 रुपये में हमें क्या मिलने वाला है वो दिखा दो। 50 रुपीज़ का होगा मात्र, ये आप जो फोन कैरी करते होल्ड करते हो, और इसमें और स्टाउ तो उसको ये सूट के लिए भी सकते हो, तो बेसिकली ये टेबल वगैरह पर रखने वाले हैं, टेबल पे हाइट वगैरह हाइट इंगेज नहीं होगी, लेकिन टेबल पे लिए पोर्टेबल स्टैंड ये मिल जाएगा आपको, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी में 50 रुपीज़। तो भैया नेक्स्ट ये जो स्टैंड है इसमें से, ये भी काफ़ी चर्चे में है, ये मात्र 150 का दूंगा मैं आपको, 150 गोरिल्ला स्टैंड, गोरिल्ला स्टैंड ये फ्लेक्सिबल होता है, जैसे मर्जी उसको ग्रिप बना सकते हो, उसका होल्ड करके आप किसी भी होल्ड चीज़ को होल्ड करना चाहो होल्ड कर सकते हो, तो ये भी काफ़ी बेस्ट है। और वैसे मेरे तो गैजेट तो काफ़ी है, ये इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल, जितना मर्जी मोड़ किसी भी उसमें आप रख सकते हैं, ये हो जाएगा। ओके इसका प्लस पॉइंट क्या है, इसका USP क्या है? नहीं, प्लस पॉइंट ये है, प्लस पॉइंट दिखाता हूँ, मैं इसी में दिखाता हूँ, मैं एग्जाम्पल बोलते हैं, इसका मूवमेंट जो है वो होता है, ये जिस मर्जी ये हो गया पूरा, ये पकड़ने के लिए आ गया, यहाँ कैमरा लगा के जैसे मर्जी, अच्छा कैसे भी आप और ये 360 एंगल मूवमेंट है, ये इसमें यहाँ पे ऊपर फोन रखने की जगह कहाँ पे, यहाँ कैमरा इस पर होल्ड होगा, फोन के लिए ब्रैकेट मिल जाएगा, ब्रैकेट के आधार पर मिल जाएगा, ब्रैकेट मिल जाएगा, ठीक है। इसका प्राइस क्या है? प्राइस इसका 350 है, लेकिन 300 लाऊंगा मैं, 350, और हाइट भी इसकी अच्छी है, इसमें दो आते हैं, इससे छोटे आते हैं, मेरे पास लॉन्ग साइड का है, अच्छा। आपको ये 350 का 300 मिल जाएगा आपको, 300 इसके साथ, वो फोन वाला अलग से अगर लेंगे तो फोन वाला साथ में मिलेगा, वो साथ में मिलेगा 300, थैंक यू। और बाकी माइक्स की अगर हम बात करें तो माइक्स की रेंज, माइक्स फायर वाले की, तो ये मिल जाएगा, मेटल में होगा, ये अच्छा होगा क्वालिटी की, वॉइस इनवॉइस बिल्कुल नहीं आती, ठीक है ना, और ये 100 रुपीज़ का है, 100 रुपीज़, और एक ही आता है मोया,
ये आता है, ये 550 का है लेकिन 450 का लाऊंगा, ओरिजिनल होगा। तो कॉपी भी काफ़ी चल रहा है मार्केट में, लेकिन आपके पास ओरिजिनल है। ओरिजिनल की क्या पहचान है इसका भैया? स्टिकर्स होता है मैडम। मैडम अच्छा ठीक है, तो हम ये स्टिकर से इसकी पहचान कर सकते हैं। ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब कहते हैं कि इसको मेरे को अदरवाइज फर वाला चाहिए। हाँ जी, ये मिल जाएगा। तो फर वाले का क्या यूज़ होता है? ये भी ब्लॉक के लिए यूज होता है। इसमें वॉइस जो आउटर नॉइज कम आती है, ज़्यादातर इससे ही करते हैं ऑटो व्लॉगिंग, ठीक है ना। तो इसका प्राइस क्या? ये भी बोया का है ना? बोया का। ये इसका क्या प्राइस है? ये प्राइस इसका 850 है लेकिन 750 लगेगा। 750। ये वायरलेस है या वायर वाला है? वायर वाला ही है। वायरलेस में ये होंगे सारे। चलिए मिलेंगे आपको, ये मिल जाएंगे आपको। और इसमें स्क्वायर वाला चाहिए तो स्क्वायर वाला भी मिल जाएगा, रोड का मिल जाएगा आपको, प्रो फोन का मिल जाएगा। बेस्ट आपके हिसाब से, देखो आप तो ये बिजनेस कर रहे हो, कोई बेस्ट इस टाइम वायर वाले भी चल रहे हैं, वायरलेस भी चल रहे हैं। ये K35 है, ये कैमरा में प्लस आपका फ़ोन भी दोनों ये चलेगा, ठीक है। ये K9 है, ये ड्यूल है, ड्यूल माइक है, सिंगल ट्रांसमीटर होगा, ठीक है। सिंगल माइक है, सिंगल ट्रांसमीटर है। सिंगल माइक सिंगल ट्रांसमीटर मींस मतलब कि आपको जैसा होता है कि सिंगल पर्सन ही सूट रखते हैं आप, ड्यूल पर्सन सूट रखता है। ड्यूअल पर्सन कैसे यूज कर सकते हैं? ब्लूटूथ एक सामने वाला हो गया और एक मैं, जैसे मैं अभी कवर कर रही हूँ तो मुझे दिक्कत आ रही है, मेरे हाथ में माइक आपके पास नहीं है। राइट राइट। तो आप आपके तो उसमें क्या होगा, ये वॉइस सेम ही जाएगी, कैप्चर सेम करेगी। ओके, हाँ दोनों के पास माइक होगा तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी वॉइस क्वालिटी में। इसमें दो माइक है जी, दो माइक है और एक ट्रांसमीटर है। मैं देखा भी इसका ड्यूअल माइक है और एक सिंगल ट्रांसमीटर है। तो इसका रेंज रेट क्या? रेट तो इसका 2500 है लेकिन लेस करके इसके रेंज दूंगा मैं आपको 1600। और वायरलेस माइक के साथ क्वालिटी भी बेहतर इसकी, साउंड बाहर का नहीं आएगी। बोया का भी आता है वायरलेस? बोया का वायरलेस मेरे मिल जाएगा, वो 12000 का पड़ेगा। 12000 का। बाकी मेरे पे न्यूज़ पेपर के माइक भी काफ़ी हैं, देख रहे हो आप। हाँ, ये वायर वाले मिल जाएंगे, मीडिया से रिलेटेड और वायरलेस भी मिल जाएंगे। ओके ओके। तो गैजेट्स काफ़ी है मेरे पास, मैं कहूँगा आप एक बार, मेरा इंस्टाग्राम का चैनल भी है। ओके, आप नाम बोल दो एक बार इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम का मेरा balaji.ji.ji इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं आपको दिखाएगा हूँ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे है। तो उसमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, उसमें सारे प्रोडक्ट देख सकते हो आप। अदरवाइज आपको घर बैठे ही पूरी चीज मिल जाएगी। ये होगा तो ये बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, इनका इंस्टाग्राम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स जी। तो इस पर आप प्रोडक्ट सारे देख सकते हो, क्या प्रोडक्ट आप क्या लेने क्या नहीं लेने, सेम बस यही डालना है आपको लिंक, उसके आधार पे आपको पता लग जाएगा क्या लेना। इसके वीडियो चाहिए तो वीडियोज भी मैंने डाली हुई हैं, इसके आधार पे वीडियो आपको क्या लेने क्या लेने सारे प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, गिम्बल से लेके शॉर्ट गन से लेके सारे माइक्स मिलेंगे आपको। ठीक है। एंड कोई विजिट करना चाहे तो आपके पास विजिट कर सकता है। आपकी शॉप के डेज एंड टाइमिंग्स क्या है? डेज एंड टाइमिंग मैम 11:30 to 7:30 है, मॉर्निंग 11:30, इवनिंग 7:30, ठीक है। और क्लोजिंग डे जो है मेरा संडे है, ठीक है। और बाकी मैं बताता हूँ, आना चाहे तो आप कैसे आ सकते हो, अपने ट्रेवलिंग से अपने व्हीकल से आ रहे हैं, रेड फोर्ट की रेड लाइट है, वॉक इन डिस्टेंस में उसके बाद मेरा शॉप है, अपोजिट साइड मेरा गौरी शंकर मंदिर है, और वैसे लाल किला मेट्रो स्टेशन पड़ेगा, गेट नंबर 1 से एग्जिट होना है, उसके बाद मेरे को कॉल करके पूछिएगा। गेट नंबर 1 से एग्जिट करके सीधा जी। आगे मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जैसे कुछ कहते हैं कि चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन उतर जाए तो वहाँ से लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस पड़ेगा, लेकिन लाल किला मेट्रो स्टेशन मेरे जस्ट ज़्यादा नज़दीक जी। बिल्कुल मंदिर है जो जैन मंदिर है, बिल्कुल उसके जैन मंदिर है, उसके बगल में गौरी शंकर मंदिर है, दोनों मेरे नज़दीक है। बिल्कुल न्यू चीज़ है। मैं कह रहा हूँ ये सेल्फी स्टिक कम ट्राइपॉड है। ओके, ये कंपनी है, अटैचमेंट हो जाएगा फोन आपका जी, ये 360 एंगल मूवमेंट होगा, ट्राइपॉड बन जाएगा इसमें आपको, ठीक है ना। ओके, हर एंगल से आप जैसे मुझे ले सकते हो, और इसमें हर एंगल के फोन की फोटो कैप्चर कर सकते हो, जैसा कि जैसे ये है मैं दिखा देता हूँ आपको जी, जैसे ये है, ये अदरवाइज इजी टू कैरी कर सकते हो, उसको जाओ तो अपने पॉकेट में डाल सकते हो, बिल्कुल जेब में भी डाल सकते हो, और इसमें सारी फोटियाँ हैं, इसमें 360 एंगल मूवमेंट है आपका जी, और फ़ोन की ग्रिप भी थोड़ा हैवी में अच्छा है, इसको आप फोन का ग्रिप, ये स्टॉपर है, बिल्कुल दोनों साइड है स्टॉपर, तो फोन गिरने का कोई चांस गिरने के चांस नहीं होंगे, ठीक है ना। और इसका 360 एंगल मूवमेंट होगा पूरा आपका, ये 360 एंगल हो गया जी, अप एंड डाउन भी हो गया, ठीक है ना। और यहाँ से लॉक कर दीजिए जहाँ पर फोन गिरना है, ठीक है। चाहो तो आप इसको रिमोट के आधार, रिमोट भी है इसमें, ट्राइपॉड भी और सेल्फी स्टिक भी, रिमोट अलग से निकाल के चाहो तो सिंगल पर्सन उसको फोन कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल जी। आपका फोन लग गया, आपका ये आपका फोन कैसे मिल गया, हर एंगल से फोन आया आपका जी, ग्रेट। चाहो तो उसकी हाइट बढ़ा लीजिए आप, हाइट तो उसकी बात है, रिमोट से आप फॉलो करते हो फोन राइट,
ये चीज़ भी मिल रही है और चाहो तो इसको जस्ट गिम्बल का काम भी करते हैं। राइट, ये भी नई चीज़ है। और इसका रेट भैया? रेट इसका 350 का है। ठीक है, टू फिफ्टी। अगर कोई दिल्ली हाइट मॉम प्रीत का चैनल का नेम लेके आता है तो उसे 250 रुपये का लगेगा। इसके अंदर आप एक लाइट वाला भी बता रहे हैं ना, वो भी आप एक बार दिखा दीजिए। लाइट वाला ये होगा, तो इसके ऊपर हेड पे लाइट होगी जी, जिससे नाइट के टाइम आप शूट करते हो तो लाइट के रोल ओवर होता है। ठीक है ना, बिल्कुल। लाइट का फोकस भी काफ़ी अच्छा फोकस होगा, देखते हो आपका फोकस। आप जितना मर्जी आप वाइट डाल दें, काफ़ी कम्फर्टेबल है। और फीचर्स बाकी सारे सेम है। इसमें आपका एक्स्ट्रा फीचर है आपका लाइट जी। ठीक है, तो अगर आपके पास रिंग लाइट नहीं है और आप चाहते हो कि आपको लाइट चाहिए, आपके किसी रूम में डार्क रूम में आप शूट कर रहे हो तो आप इससे शूट कर सकते हो। और ये चार्जेबल भी है। ओके, ठीक है इसका ट्रांसमीटर सिंगल होगा, मैं आपको दिखाता हूँ बोल के। ये ड्यूल माइक हो गया जी, इसमें इंडिकेशन आ रहा है ग्रीन एंड रेड रंग की लाइट जल रही है, ये इसका ट्रांसमीटर है इसका। ठीक है, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, बस इसके अंदर फोन के अंदर इन करना है और ये वर्किंग चालू हो जाएगी। ये देखिए और मैं बिल्कुल आपके प्रोडक्ट का रिव्यू भी डालूंगी। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। ये रिंग लाइट है ना, ये रिंग लाइट है और इसके साथ आपको जो है फोन होल्डर मिलेंगे। ओके, और इसका फोकस जो है तीन कलर होंगे, इसमें दिखाता हूँ। ये वन हो गया येलो, वाइट, दो और तीन। ओके, तीन कलर होंगे। ठीक है, ओके। ये कितने इंचेस की है? ये 16। 16 इंचेस की। ये फॉलो करना है, इसके नीचे इसकी चूड़ी है, हॉल है, इसको शुरू करना है बस, और ये फिल कर देना है, यहाँ फोन आ जाएगा आपका। ठीक है ना, फोन आएगा, फोन ये ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ आपका फोन होल्ड हो जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर, समझ लिया? ठीक है, और हाइट दिखा रहा हूँ, हाइट पहला स्टेप है और ये दूसरा स्टेप है, स्टैंड ये बन जाएगा, ये स्टैंड होगा, काफ़ी क्वालिटी अच्छी आएगी स्टैंड की आपको, ये मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये जो वायरलेस माइक है ना K9, ये मैंने इन्हीं भैया की शॉप से ख़रीदा है। एंड इस माइक के अंदर मुझे क्या क्या मिलता है, इसमें दो तो आपके इस टाइप से हमें माइक्स मिल जाते हैं और एक ट्रांसमीटर मिलता है हमको। सिंगल ट्रांसमीटर है, आपके फ़ोन में लग जाएगा। एंड ये माइक आप एक अपने लिए यूज़ कर सकते हो अगर आप इस टाइप के व्लॉग्स बनाते हो जिसमें आप सामने वाले शॉपकीपर से आपको बात करनी पड़ती है डिटेल में। तो ये दो माइक्स हो गए, इसमें से एक आप अपने पास लगा लेते हो, इसमें इस टाइप की छोटी सी क्लिप टाइप दी हुई है, इसमें आप एडजस्ट कर लेते हो। देन ये दोनों माइक्स ना चार्ज होते हैं, यहाँ पे इसका चार्जिंग पिन है, सी टाइप चार्जर से ही ये आपका चार्ज हो जाता है। इसके अंदर वायर भी दे रखी है, सी टाइप वायर, आप इससे भी चार्ज कर सकते हो। मैं तो अपने घर के सारे सी टाइप वायर्स और सारी चार्जर्स ना एक साथ लगा देती हूँ, बिकॉज़ तीन चीज़ें चार्ज करनी होती है, एक एक करके करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। जब आप इसे चार्जिंग में लगाते हो तो रेड लाइट आती है, और जब ये फुली चार्ज हो जाता है ना तो ये अपने आप ही आपको वहाँ पे लाइट बंद हो जाती है। और जब आप इसे यूज़ करते हो ना, जैसे ही ये कनेक्ट होता है ना फ़ोन से, तो इसमें ना लाइट जलती है। अभी मैंने फ़ोन से कनेक्ट नहीं किया हुआ तो इसमें लाइट नहीं जल रही, अदरवाइज ना इसमें इस टाइप अभी ये ब्लिंक कर रही है ना, अगर मैं ट्रांसमीटर अपने फ़ोन में लगा दूंगी तो ये ग्रीन लाइट ही शो करेगा, एक सिंगल लाइट। इट मींस कि आपके फ़ोन से कनेक्टेड है। जब भी शूट करना हो ये चीज़ चेक कर लेना। मेरे साथ स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि मैंने इसको ऑन नहीं किया था और शूट कर लिया था और वॉइस ही गायब हो गई थी सारी की सारी, तो गलतियाँ होती हैं स्टार्टिंग में। बट ये बहुत ही अच्छा माइक है, बट मेरे फ़ोन के अंदर ना इसको ओपन कैमरा सॉफ्टवेयर के साथ मुझे यूज़ करना पड़ता है, बिकॉज़ मेरा फ़ोन इसके लिए कंपैटिबल नहीं है, उसमें नहीं एडजस्ट हो पाता है। तो ओपन कैमरा एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू मैं इसे यूज़ करती हूँ, और इसकी क्वालिटी लिटरली ऑसम आती है। बाहर का वॉइस बिल्कुल भी कवर नहीं करता ये, और बहुत ही सामने वाले की और आपकी दोनों की वॉइस ना बड़ी अच्छी आती है। तो डेफिनेटली मेरी तरफ से गो हेड है, अगर आपका ऐसा यूटिलाइजेशन है कि आपको इस टाइप का माइक चाहिए जिसमें आप सामने वाले की भी क्लियर वॉइस को कवर कर पाएँ, आपकी भी वॉइस क्लियर आए, तो डेफिनेटली इट्स अ गो हेड फ्रॉम माय एंड। बाकी चॉइस आपकी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू।